दोस्तों डिसेंट इंटर कॉलेज की सेवंथ क्लास, जहां बच्चे डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, ये इंग्लिश की मैम जो यहाँ पढ़ा रही हैं, और बच्चे ड्रेसेस में हैं और सभी बच्चे बड़े सलीके और शौर में हमारा स्वागत भी कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। हाँ बच्चों बताइए, हमारे देश का खूबसूरत संविधान किसने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ बच्चियों आप भी बताइए, हमारे देश का संविधान किसने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ बच्चों आप बताइए, हमारे देश के पीएम का नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। हाँ बच्चों आप भी बताइए, देश के पीएम का नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। यूपी के सीएम का नाम क्या है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ। संविधान लागू कब हुआ था? 1915। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कौन थे? मिसाइल मैन और वैज्ञानिक थे। हमारे राष्ट्रपति थे। हाँ बच्चों वीर अब्दुल हमीद कौन थे? बहादुर सैनिक थे। अब बात करते हैं यहाँ की मैडम से जो इंग्लिश पढ़ा रही है। हाँ जी मैम कैसी हैं आप? नमस्कार। किधर से आती हैं आप? कितने सालों से आप यहाँ पढ़ा रही है? यहाँ की शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, अपने अनुभव के बारे में बताइए। सर मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर से यहाँ पे टीचिंग करा रही हूँ, और यहाँ का अनुभव मैंने देखा कि और स्कूल से मतलब बेटर है। लेकिन जब बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के अंदर तो हेजिटेशन है, वो सही से ये भी नहीं बता पाते हैं कि संविधान किसने लिखा, क्या वजह है मैम? सर ये थोड़े से वैसे है ना, मतलब इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में ज्यादा जानते हैं बच्चे, हिंदी में थोड़ा कम करते हैं। यानी इंग्लिश अच्छी है, जब सवाल जनरल नॉलेज के किए जाते हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्या वजह? ये थोड़ा सा बस बच्चों का आजकल का रहन सहन खान पीन से भी थोड़ा इन्फेक्ट करता है, ये चल रहा है मतलब आजकल जो मोबाइल वगैरह है इनसे, इनमें बच्चे ज्यादा रहते हैं। यानी बच्चे मोबाइल में ज्यादा रहते हैं, पढ़ाई में कम? जी यही रीजन है बस इनका। और दोस्तों डिसेंट इंटर कॉलेज की 6th क्लास, जहां मैम संस्कृत पढ़ा रही है। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कुछ स्टूडेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होता है। हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जो सूबे के मुखिया है, योगी आदित्यनाथ, वो बड़ी आसानी से संस्कृत सब्जेक्ट को बोलते हैं और लोग उनकी लैंग्वेज को पसंद भी करते हैं। ये डिसेंट इंटर कॉलेज की 6th क्लास, जहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरे की निगरानी में बच्चे बड़े डिसिप्लिन और बड़े शांत लोकप्रिय माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैम यहाँ अपने सब्जेक्ट पर पूरे फोकस कड़ी पैनी नजर के साथ बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, और बच्चों की निगाहें पूरी या तो मेरे कैमरे पर है या मैम की तालीम पर, मैम की शिक्षा पर। हाँ बच्चों खड़े हो जाइए। मैम जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही है संस्कृत, क्या आपकी समझ में आता है? Yes, sir. क्या नाम है आपका? सलोनी सैनी। किधर से आती हैं आप? जिंजाने से। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? डॉक्टर की स्पेलिंग क्या है? DOCTOR। ओके आप क्या बनना चाहते हो? IPS। IPS यानी SSB बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो IPS? सर हमारे डैडी की इच्छा है। ये तो आपकी डैडी की इच्छा है, आपकी इच्छा क्या है गुड़िया? सर डैडी की इच्छा मेरी की एक इच्छा है। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर की स्पेलिंग बताना? DOCTOR। हाँ बच्चों देश का संविधान किसने लिखा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। किसने लिखा था संविधान? बाबा साहब अम्बेडकर। देश के पीएम का नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या नाम है देश के पीएम का? मिस्टर नरेंद्र मोदी। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कौन थे, जानकारी है आपको? मिसाइल मैन। हाँ बच्चों आप भी बताइए। मिसाइल मैन। क्या नाम है आपका? जसप्रीत सिंह। किधर से आते हो? डेरा सिंगापुर। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। यहाँ की प्रिंसिपल मैम का नाम क्या है? संगीता देवी। आप भी बताइए। संगीता देवी। देश के होम मिनिस्टर का नाम क्या है? अमित शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ। मिस्टर योगी आदित्य मिस्टर योगी आदित्य
जो मैडम आपको अभी पढ़ा रही है संस्कृत, इनका नाम क्या है, किधर से आती है? श्वेता मैम ऊन से आती है। श्वेता मैम ऊन से आती है। श्वेता मैम ऊन से आती है। जी मैडम, आप संस्कृत पढ़ाती हैं, बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आपका क्या अनुभव है यहाँ, आपका अनुभव क्या है यहाँ की शिक्षा को लेकर, और आपका सब्जेक्ट बच्चों को क्या संदेश मैसेज देता है? संस्कृत देवताओं की वाणी है, इससे हमें शास्त्रों का ज्ञान होता है। अच्छा मैम, कैसी रुचि लेते हैं आपके सब्जेक्ट में बच्चे? सर अच्छी लेते हैं। ओके मैम, कम बोल रही है कैमरे पर, मैम बता रही हैं कि बच्चे अच्छी रुचि लेते हैं संस्कृत के सब्जेक्ट में। हर टीचर का अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग अपना सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही इस स्कूल की टीचर हैं जो बच्चों को म्यूजिक पर डांस सिखा रही हैं। मैंने खुद देखा है, डांस बहुत अच्छा सिखा रही हैं। तो मैम आपका ये रोज का रिहर्सल है या किसी फंक्शन के लिए तैयारी है? ये फंक्शन के लिए तैयारी है, हमारे यहाँ कल फेयरवेल है। हाँ, तो जो 12th बच्चे पास आउट करके चले गए तो उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो ये उसी की प्रिपरेशन हो रही है। मैम आप म्यूजिक के सिवा किसी और सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं या फिर यही? नहीं, यस मैम, मैं सोशियोलॉजी की टीचर हूँ, एमए बीएड किया हुआ है मैंने, तो टीचिंग में वही सोशियोलॉजी कराती हूँ और अदर्स टैलेंट में फिर म्यूजिक कराती हूँ। क्या नाम है और क्या बनना चाहते हो? सर मेरा नाम लवप्रीत सिंह है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से देश और समाज को क्या फायदा होगा? सर मैं न्यू एप्स बनाया करूँगा। उससे क्या फायदा होंगे, साबित करिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उसे आप यूज करेंगे? ठीक है, अभी जानकारी कम है, आप बताइए क्या बनना चाहते हैं? माय नेम इज अक्षय देसवाल, मैं नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं? सर माय नेम इज नवाजिश, मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो? सर जिसे समाज में तरक्की कर सकूं। अच्छा आईएएस बनना चाहते हो, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या फायदा करोगे देश? सर जिसको जो भी परेशानी होगी उसकी परेशानियां हल करूं। तीनों बेटी खड़ी हो जाइए, क्या नाम है? नवनीत कौर। नवनीत कौर, किधर से आती है और क्या बनना चाहती हो? मैं बरनावी से आती हूँ और मुझे आउट ऑफ कंट्री बाहर जाकर अपने पापा का ड्रीम पूरा करना है। ओके, और आप? सर माय नेम इज पवनदीप कौर, मेरे पापा का ड्रीम है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाकर मुझे उनका ड्रीम पूरा करना है। और आप? सर माय नेम इज खुशी सैनी, सर मेरा ड्रीम है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं झिंझाने से आती हूं। अच्छा आप झिंझाने से आती है, डॉक्टर बनना चाहती हो, डॉक्टर बनने के बाद झिंझाने की जनता की सेवा करोगे या बाहर जाना चाहती हो? नो सर, मैं झिंझाने की जनता की सेवा करूंगी, झिंझाने में रहकर। अच्छा ये बताइए, हमारे देश का संविधान किसने लिखा? बी आर अम्बेडकर। यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या? योगी आदित्यनाथ। देश के पीएम का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या बनना चाहती है? आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर। यहाँ की प्रिंसिपल का नाम क्या है? श्रीमती संतोष देवी। जनपद शामली के डीएम का नाम क्या है? जसजीत कौर। आप भी बताइए डीएम मैम का नाम? जसजीत कौर। क्या बनना चाहते हो? डिजाइनर, आईपीएस, पायलट। ठीक है, अब टीचर से बात करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? सत्यवीर सिंह। किधर से आते हो? रंगाणा से। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथ जी। मैथ पढ़ाते हैं जी। कैसी रुचि लेते हैं आपके सब्जेक्ट में बच्चे? बहुत अच्छे लेते हैं जी। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? कम से कम 30 साल का जी। क्या सीखा 30 साल में सर, और क्या सिखाया है? बच्चों को बहुत सिखाया जी, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अच्छा, जो बच्चे आपके आगे पढ़े हैं बहुत बड़े अधिकारी बने, कई यहाँ से कोई पटवारी बना, कोई आईपीएस भी बना जी। उन बच्चों पर आपको फख्र है? हाँ जी, वे जहाँ भी मिल जाते हैं बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जो बच्चे वर्तमान में आपके सामने पढ़ रहे हैं ये भी बच्चे कुछ बन पाएंगे? हाँ जी, ये बढ़ेंगे, बहुत उम्मीद है, काफी उम्मीद है इनसे। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, और ये सुनील सर बच्चों को जहाँ शिक्षा देते हैं ये कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। सर क्या फोर्थ क्लास के बच्चे आसानी से कंप्यूटर चलाना जानते हैं, सीख पाते हैं? हाँ सर, उसको इन बच्चों को हमने बताया है कि किस प्रकार से आप माउस को चलाएंगे। फोर्थ क्लास को आप कंप्यूटर में क्या सिखा रहे हैं? सर हमने पेंट बता रहे, पेंट में किस प्रकार से आप ड्राइंग बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं। बच्चे रुचि ले रहे हैं? हाँ बच्चे खूब रुचि लेते हैं, क्योंकि ये उनका प्रोग्राम ही ऐसा है बनाने के लिए, तो स्टार्टिंग में यही प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है कि बच्चे इसमें रुचि ले, और उसके बाद फिर टाइपिंग। कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को रोज दी जाती है? कभी कभी देखो इनके पीरियड लगे हुए हैं, 3 दिन एक क्लास का पीरियड है, तो 3 डे इनको लाया जाता है लैब में। सर जब कोविड देश के अंदर चल रहा था, सोशल मीडिया के साथ साथ कंप्यूटर की बड़ी जरूरत पड़ रही थी,
हाँ जी सर, क्योंकि कंप्यूटर से ही कार्य हो रहा था, लोग जो ऑफिस में नहीं पहुंच पा रहे थे तो ईमेल के द्वारा या दूसरे ऑनलाइन के द्वारा क्लासें भी चली थी और क्लासों में बच्चों को काम भी भेजा गया था ऑनलाइन से ही, कंप्यूटर से ही। दोस्तों मेरे साथ हैं रोजुद्दीन सर। सर बताइए आपका क्या अनुभव है शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एक रिलेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो पहले जैसे नहीं रहा, क्योंकि मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है तो बच्चा मोस्टली उसी पर डिपेंड हो गया है। गुरु का जो सम्मान पहले होता था वर्तमान समय में होता तो है पर उस टाइप से नहीं होता है जैसे एक गुरु अपेक्षा करता है। यानी जिस तरीके से हर विभाग में ग्राफ डाउन हो रहा है, आप मानते हैं स्कूल मकतब इदारों के अंदर, बड़े कॉलेजों के अंदर भी वो सम्मान देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर इस सम्मान को बरकरार कैसे रखेंगे सर? इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है और जागरूकता सिर्फ एजुकेशन के थ्रू आती है। जहाँ तक मेरी अपनी सोच, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है तो इसके लिए हम लोगों को सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो आप लोग यहाँ पर आते हैं हमारे इंटरव्यू या समाज के इंटरव्यू लेने के लिए, अगर आप इस जागरूकता अभियान को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर चले और लोग बाग जागरूक हो जाए तो शायद आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी होगी, जैसा कि हम प्राचीन समय में सुनते थे, आने वाले समय में भी हमारी वो जनरेशन इसी प्रकार से एजुकेटेड और वहां पर एक मैनर होगा और हमारा इंडिया जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं विकसित देश का, आने वाला देश विकसित ही होगा। यानी आप एक खूबसूरत मधुर संबंध बनाना चाहते हैं स्टूडेंट और शिक्षक के अंदर? यस सर। सर आप अपने स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमें एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह स्कूल में रहना चाहिए। जिस प्रकार से परिवार में हम लोग माता पिता का सम्मान बच्चे लोग करते हैं, उसी प्रकार में टीचर जो कि आपको रास्ता दिखाने वाला होता है और भगवान के बाद टीचर की पूजा की जाती है, उसको उसी रेस्पेक्ट के साथ उसका मानना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में माता पिता अगर अपनी संतान को किसी को सौंपते हैं तो वो एक सिर्फ अध्यापक है और अध्यापक का कार्य होता है सिर्फ रास्ते पे लाना, तो कभी कभी कुम्हार की तरह उसकी पिटाई भी करनी पड़ती है और कभी कभी माँ बाप की तरफ से इतना प्यार किया जाता है कि वो बच्चा अपने टीचर का पूरा रेस्पेक्ट करे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में गुरु और जो बच्चों का विद्यार्थी का रिश्ता है वो हमेशा सुदृढ़ रहे, सॉफ्ट रहे, एक रेस्पेक्टेड वहां पे एक रिपुटेड होना चाहिए, रेपुटेशन होना चाहिए एक दूसरे का। सर 10 सालों से आप डिसेंट इंटर कॉलेज हिजाना में शिक्षा दे रहे हैं, आपने यहाँ से सीखा क्या है, बच्चों को सिखाया क्या है और क्या मानते हैं आप यहाँ हर पढ़ने वाले बच्चा IPS IAS बन पाएंगे? मैंने यहाँ पे मेन चीज सीखी है यूनिटी, एकता। दूसरा चीज मैंने सीखा है डिसिप्लिन, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद भी इन चीजों को कवर करता हूँ। यहाँ का हमारा स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे देश की सेवा भी कर रहा है, नेवी में भी जा चुका है, एयर होस्टेस भी बना हुआ है और IAS भी बन चुके हैं इसी कॉलेज के अंदर से, आप लोग इंडिया में भी देख सकते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि भविष्य में भी अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है वो एक माध्यम है शिक्षा, इसके बिना हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं इल्मनाज हूं, फेस टू फेस इंडिया टीम से आई हूं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम क्या है? आप सभी बच्चों को सबसे बेस्ट टीचर कौन से लगते हैं? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के CM का नाम बताइए। हमारे देश का संविधान किसने लिखा था? संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, झिंझाना के डिसेंट इंटर कॉलेज में आने के बाद छात्र छात्राओं से बातचीत की है, स्टाफ से बातचीत की है, अब मैनेजर सर से बात करते हैं। सर, उम्र के अखबार से आप बहुत सीनियर लग रहे हैं, इस कॉलेज पर आपकी राय क्या है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे क्या कामयाब बन रहे हैं? इसका हमारे पास में लिस्ट है बहुत सारी,
बच्चे जो हैं सभी विभागों में जा चुके हैं, चाहे इंजीनियरिंग लाइन है, चाहे डॉक्टरी लाइन है, या और दूसरे विभाग हैं, सरकारी सेवा में हैं, बड़े बड़े पदों पर जा चुके हैं। क्या सर, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता यानी अभिभावक यहाँ की फीस को लेकर, शिक्षा को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर सेटिस्फाई नजर आते हैं? हालांकि ये सवाल हम ग्राउंड पर जाकर यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से भी जरूर करेंगे सर। सन 1990 से ये संस्था संचालित है, तब से आज तक किसी भी एक भी अभिभावक के संबंध में कोई शिकायत फीस की, अनुशासन की या पढ़ाई की नहीं है। सर, जैसे कि हम जाते हैं स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, और जो शिक्षक है उनका एक सपना होता है हम बच्चों को पढ़ाएं और जो हमारे आगे पढ़े वो कामयाब हों, देश के बड़े इंटरेस्ट में बैठे, और शिक्षक काबिल भी होते हैं क्योंकि हम भी शिक्षक के आगे पढ़े हैं, आप भी सभी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों से जब सोशल बात करते हैं या जनरल बात करते हैं उनकी लैंग्वेज में बड़ी वीकनेस नजर आती है। ये आजकल के माहौल की विकृति है, जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, उस पर लग गए, अभिभावक 1% भी इस बारे में सहयोग नहीं करते हैं। बच्चा ये सोच रहा है कि तुम तो केवल और केवल, बल्कि जो पिछले 2 साल लॉकडाउन के गए हैं, इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, उससे बच्चों के दिमाग पर काफी प्रभाव पड़ा है। यानी आप मानते हैं मोबाइल पर बच्चों का फोकस ज्यादा होने की वजह से, सोशल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बच्चों को सोशल जानकारियां कम है? बिल्कुल सही बात है जी, इसकी रिपोर्ट भी आप लोगों द्वारा ही छप चुकी है, अखबारों में भी आ चुकी है, टीवी पर भी रिपोर्ट आ चुकी है कि ये बिल्कुल माध्यम बहुत ही गलत है, मोबाइल। तो सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल, हमारे मंच के जरिए से पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों? ये है कि अभिभावक अधिक से अधिक बार विद्यालय में जाए, अपने बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि कुछ तो अभिभावक बिल्कुल विद्यालय आना ही नहीं चाहते, उनका बच्चा विद्यालय आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर बुक्स हैं, ड्रेस है या नहीं है। यदि स्कूल से फोन भी किया जाता है तो ये कह दे देते हैं जी बस चलो नहीं जा रहा, नाम काट दो। अब ये कोई समाधान नहीं है, समाधान ये है कि अभिभावक भी विद्यालय में मंथली कम से कम एक बार आकर के अपने बच्चे की रिपोर्ट प्राप्त करें। बहुत अच्छी बात, डिसेंट इंटर कॉलेज के मैनेजर सर बता रहे हैं ये उम्र किस पड़ाव पर है, इनको बहुत जानकारियां हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर। और दोस्तों ये बात सही भी है, जब स्टूडेंट स्कूल में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, माँ बाप का भी एक फर्ज होता है, स्कूल से जाने के बाद उनका होमवर्क दिया है या नहीं दिया है, और जैसे सर बता रहे हैं एक महीने में एक या दो बार स्कूल कॉलेज में आए, वो यहाँ के माहौल को देखे, वातावरण को देखे, डिसिप्लिन को देखे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। साथियों, ये हमारी स्पेशल पॉजिटिव रिपोर्ट झिंझाना के डिसेंट इंटर कॉलेज की, और आप किस पर राय क्या है हमें लिखकर जरूर भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।